हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सबको हैप्पी करवा चौथ और आज के वीडियो में मैं आपसे करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री शेयर करूंगी अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं पूजा के लिए मैंने आसन लिया लाल कलर का और ये मैंने चौथ माता की फ़ोटो ली है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी आप चाहें तो कैलेंडर भी ले सकते हैं और ये मैंने अपना करवा लिया है ये पीतल का करवा है इसमें मैंने जल भर लिया है और ये करवे वाली कटोरी है इसमें मैंने चावल भरा है और करवे पर रखने के लिए मैंने एक दिया लिया है ये देसी घी का दीपक है तो इसे हम यहाँ रख लेते हैं आप चाहे तो मट्टी का भी करवा ले सकते हैं और मैंने एक तांबे के लोटे में जल लिया है जब हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे उसके बाद हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे इससे और मैंने करवा चौथ माता के लिए चुनरी ली है तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ और मैंने करवा चौथ माता के लिए सिंगार का सामान लिया है बिंदी मेहंदी सिंदूर नेल पेंट लिपस्टिक और कुछ दक्षिणा ली है जो भी आपकी श्रद्धा हो आप माता रानी को सिंगार चढ़ाइए तो इसे भी हम यहाँ रख देते हैं और मैंने व्रत की पुस्तक ली है व्रत कथा की और इसमें सारी व्रत कथाएं हैं इसमें जितने भी हमारे त्यौहार पढ़ते हैं इसमें सारी व्रत कथाएं आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी तो इसे भी हम चौकी पर रख देते हैं और मैंने माता को टीका करने के लिए चंदन हल्दी रोली और अक्षत लिया है और ये सिंदूर लिया है इसे भी यहाँ रख देते हैं और मैंने इतिर लिया है पूजा के लिए और मैंने रोली ली है मोली लिया है जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं और गंगा जल लिया है गंगा जल बहुत ज़रूरी होता है हमें पूजा में और धूपबत्ती ली है मैंने इसे भी यहाँ रख देते हैं और माचिस ली है आप चाहे तो अगरबत्ती भी ले सकते हैं और मैंने मिठाई में लड्डू लिया है जो हम भोग लगाएंगे माता को तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं और फल में मैंने केला लिया है आप कोई भी रितु फल ले सकते हैं और मैंने पंचमेवा भी लिया है भोग में तो इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं और मैंने सिंगाड़ा लिया है सिंगाड़ा बहुत ज़रूरी होता है हमें करवा चौथ के व्रत में और मैंने मट्ठी ली है और मैंने पान सुपारी लौंग इलायची ये बहुत ज़रूरी है हमें पूजा में ज़रूर लेना चाहिए ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता को और मैंने ये चावल लिया है एक कटोरी भर के और मैंने एक कटोरी भर के चीनी लिया है और दक्षिणा लिया है जब हम कथा सुनेंगे तो इसे हमें पंडित जी को देना होता है तो इसे भी मैंने यहाँ रख देती हूँ और मैंने फूल माला लिया है पूजा के लिए तो इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं फ्रेंड्स मैं आपको शुरू से बताती हूँ तो कैलेंडर हमें एक फ़ोटो चाहिए माता की कैलेंडर और सिंगार का सामान और चुनरी सिंदूर व्रत की कथा करवा और चावल उस पर दीपक चाहिए देसी घी का और एक लोटा चाहिए तांबे का मट्ठी गंगा जल और फल लिए हैं मिठाई सिंगाड़ा पंचमेवा फूलमाला और पान सुपारी लौंग इलायची मोली इतेर और तिलक करने के लिए चंदन हल्दी रोली अक्षत धूपबत्ती माचिस चावल चीनी दक्षिणा में पैसे चाहिए और माता रानी का सिंगार और श्रृंगार में हमने माता को चढ़ाने के लिए लिया है ये सब सामान मैंने लिया है फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय